हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर में सेकंड पेपर, ठीक है। यूनिट फोर्थ है अपना, क्वेश्चन थर्ड है। इसके पहले हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अभी ये अपन बीटा फलन पढ़ रहे हैं, इसके आगे अपन गामा फलन भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो चैप्टर है अपना 14 चैप्टर है जिसमें अपन को बीटा फलन और गामा फलन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन थर्ड है। और बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज़ टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस थीटा डी थीटा, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। और अथवा इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीटा फलन का त्रिकोणमितीय रूप लिखिए। तो आप लोग बीएससी सेकंड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। अपन की यूनिट फोर्थ चल रही है सेकंड पेपर की। अभी थर्ड पेपर की अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो थर्ड पेपर भी अपन कंप्लीट करेंगे। पहले अपन सेकंड पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर अपन स्टार्ट कर देंगे। अब देखो, सबसे पहले जो अपन को क्वेश्चन है उसको आप लोग ने पढ़ लिया, और जो जो कुछ दिया हुआ है वो आप लोग लिख लीजिएगा कि जो अपन को सिद्ध करना है। सबसे पहले जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन सिद्ध करना है बीटा एम एन इज इक्वल टू इन टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ठीक है। अपन को ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने बोला था कि जितने भी अपन के बीटा फलन के क्वेश्चन हैं उनमें अपन को बीटा फलन पता होना चाहिए कि बीटा फलन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे बीटा फलन से वी नो दैट बीटा फलन क्या होता है अपना, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेज़ टू द पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स, ये होता अपन का बीटा फलन, ठीक है। अब बीटा फलन से अपन को ये सिद्ध करना है कि जो त्रिकोणमितीय रूप अपन को, यानी बीटा फलन का त्रिकोणमितीय रूप अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। या तो आप लोग के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग को किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो सॉल्यूशन अपना एक ही रहता है। सॉल्व करते हैं तो अपन को सिद्ध करना वो लिख लिया, और वी नो दैट बाय बीटा फलन बीटा फंक्शन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मानेंगे, माना क्योंकि त्रिकोणमिति चाहिए, तो यानी साइन कॉस टेन ही होगा, ये अपन का त्रिकोणमिति रूप कहलाता है। तो अपन यहाँ पे मानेंगे एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है, अपन इसका अवकलन करते हैं, डी एक्स क्या होगा 2 साइन थीटा, साइन थीटा का पुनः करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा इंटू अपना डी थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे अपन लिमिट चेंज करेंगे, जब एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स इज इक्वल टू अपन जीरो रखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं जब एक्स इज इक्वल टू जीरो तब अपन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जब एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो साइन जीरो यानी थीटा बराबर भी अपन जीरो लिखेंगे, तथा जब एक्स इज इक्वल टू वन यानी यहाँ पे वन रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा पाई बाई टू यानी 90 साइन 90 यानी पाई बाई टू, ठीक है। तो अपन जब एक्स इज इक्वल टू वन रखेंगे, यहाँ पे वन रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू होगी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू लिख सकते हैं। अब अपन समीकरण एक में सभी की वैल्यू रखते हैं अपन, यानी एक्स जो है अपन थीटा के रूप में लिखेंगे, यानी डी एक्स के स्थान पे अपन क्या लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और लिमिट भी अपन की थीटा वाली रखेंगे, जहाँ अपन ने एक्स बराबर जीरो तो थीटा बराबर भी जीरो, तथा एक्स बराबर एक है तो अपन थीटा बराबर पाई बटे 2 रख देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण एक से। तो समीकरण एक में अपन सबकी वैल्यू रख देते हैं, जब थीटा बराबर अपन ने जीरो रखा यानी एक्स बराबर जीरो तो थीटा बराबर भी जीरो आया अपना, ठीक है। तथा जब एक्स बराबर एक रखा तो थीटा की वैल्यू अपनी पाई बाई टू आई, तो पाई बाई टू रख दिया। अब एक्स इज इक्वल टू अपन ने क्या माना साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर कितने की वैल्यू है पावर यानी एम माइनस वन की पावर है, तथा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा मानी तो अपन ने यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा और
पावर कितनी है अपनी n माइनस वन, dx की वैल्यू अपन की क्या थी, dx इज इक्वल टू क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये थी अपन की डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, सबकी वैल्यू अपन ने रख दी, जैसे कि अपन 11 ट्वेल्थ में भी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप लोग के लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अपना 0 से पाई बाई 2 ही रहेगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके ऊपर तो एम माइनस वन की, यहाँ पे लिख सकते अपन कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू दी पावर एन माइनस वन, और ये अपना 2 साइन थीटा यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो 2 को अपन बाहर ले लेते हैं, 2 को जब अपन बाहर ले लेंगे तो होगा अपना 0 से पाई बाई 2 लिमिट ज्यों की त्यों, और यहाँ पे अपन जो साइन स्क्वायर थीटा, देखो इसके ऊपर 2 की, यहाँ पे अपन की जो साइन थीटा के ऊपर पावर लिख सकते हैं यहाँ पे 2 एम माइनस 2, और यहाँ पे भी अपन ऊपर घात से घात का गुणा करेंगे तो 2 एन माइनस 2 हो जाएगा थीटा, और अपना ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा अपना साथ में चल रहा है। अब देखो आधार इसका समान है साइन थीटा इसका। अब देखो इसके ऊपर क्या है कि 1 की पावर है और इसके ऊपर अपन की 2 एम माइनस 2 की, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं क्योंकि ये गुणा में है तो घातें अपन जोड़, तो देखो अपना ये ज्यों का त्यों रखेंगे 0 से पाई बाई 2 रखेंगे। अब देखो साइन ये अपना इसका आधार समान, इसके ऊपर 1 की पावर 2 एम माइनस 2 और अपना प्लस 1, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये अपन घातें जोड़ देंगे, इसके ऊपर 1 की है। ठीक है, इस प्रकार ऐसे यहाँ पे करेंगे अपने ये थीटा, कॉस के ऊपर भी अपनी 2 एन माइनस 2 की है और यहाँ पे अपन की 1 की, इनके आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे यानी प्लस 1 हो जाएगा और थीटा अपना डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 अपना बाहर ही रहेगा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट, यहाँ से माइनस 2 प्लस 1 यानी साइन रेज टू दी पावर 2 एम माइनस 1, क्योंकि बड़ी जो है अपन का माइनस 2 है, मतलब माइनस का है तो माइनस 1 की हो जाएगी यहाँ पे थीटा, यहाँ पे भी कॉस 2 एन माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये हो गया अपन का त्रिकोणमितीय रूप, और यही अपन को सिद्ध करना था। अपन काय के बराबर में ये लेके चल रहे थे बीटा एम एन, और ये हो जाएगा अपना प्रूव्ड। और जो त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना, तो ये अपना त्रिकोणमितीय रूप होता है काय का, बीटा फलन का। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में हम गामा फलन लेके आएंगे, जिसमें अपन को बताएंगे कि गामा फलन क्या होता है। आप लोग के लिए थोड़ा सा वीडियो गामा फलन के लिए भी यहाँ पे हम बता देते हैं कि गामा फलन क्या होता है। ठीक है, तो ये है अपना गामा फलन। गामा फलन होता है गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स डीएक्स, ये होता है गामा फलन। अगली वीडियो में हम एक को प्रमेय सिद्ध करवाएंगे जिसमें अपन को बीटा गामा फलन संबंध लिखना है और सिद्ध करना है, यानी कि अपन क्वेश्चन में पूछेगा कि बीटा गमन, बीटा और गामा फलन संबंध क्या होता है और उसको सिद्ध करना होगा। तो अगली वीडियो में हम वही लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।